क्वेश्चन नंबर 12 सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 सी में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3n² फ्रॉम के बाद जो है उसको हम पहले लिखेंगे, तो 3n² प्लस 9m, 3n² प्लस 9m माइनस 15nm। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो 6mn। तो mn को mn के नीचे लिख दो और ये प्लस में है तो प्लस का लिखो। फिर है प्लस 5n², तो इसको n² के नीचे लिखो, 5n², ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में तो नहीं है, इसको इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे प्लस है 5n² और माइनस टू एम। ओके, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कॉलम मेथड में, कि जो ये जो जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये अभी जो है सो ये अभी जैसे ये जो है आपको ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी अब ये -5n² हो गया, ठीक है ना। क्यों हो जाता है ये मैं आपको बताया था, ठीक है, कि जैसे अब सिंपल सा ले लो, हमें कहता है कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, तो हम क्या लिखते हैं 3 माइनस 5, यानी कि यहाँ पे जब 5 है इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है ना। और यदि हमें कहता है कि सब्ट्रैक्ट माइनस फाइव फ्रॉम थ्री, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखेंगे 3 माइनस माइनस 5, यानी कि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 5। तो जब यहाँ पे माइनस फाइव है तो यहाँ पे प्लस 5 आ गया, इसीलिए हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस 5 है और ये हो गया +2 और ये हो गया माइनस, ठीक है। तो अब 3 माइनस 5 -2 होता है, तो -2n². ओके, अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 9 और 2 11 +11m। अब -15 -6 तो -21mn, ठीक है ना। -15 -6 कितना हो गया, -21mn। तो इस तरह से जो है आपको साइन चेंज होता है और इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। सर सबको समझ में आ गया इसको? सर सर जो आपने एंड टू लगाया तो माइनस माइनस सर पता चलता है कहाँ पे? सर जो एंड टू है मतलब जो है n² ये सर ये चेंज है ना? हाँ यस सर, ये चेंज है ना? चेंज क्यों होगा, n² है तो n² ही नीचे रहेगा, 3 माइनस 5 -2 होगा, ठीक है। 3 माइनस 5 कितना होता है, 3 माइनस 5 -2 होता है 2। ओके यस सर।
ओके अब आपको एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि करा क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ, ए पीस ऑफ लेंथ इतना मीटर वाज कट, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर। यानी कह रहा है कोई एक वायर है, उसका लेंथ है दिया हुआ है 7x प्लस 5 मीटर, उसमें से 2x मीटर काट लिया जाए तो कितना बचा, कितना वायर जो है सो रिमेनिंग है। तो इसमें हो जाएगा आपको, जैसे टोटल लेंथ है वायर का 7x प्लस 5, तो 7x प्लस 5 में से हम क्या करेंगे तो 2x को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपको 7x प्लस 5 माइनस 2x, तो 7x माइनस 2x हो गया 5x, तो 5x जो है प्लस 5, 5x प्लस 5, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, यानी तो आप एक साथ इसको लिखो, ऐसे यदि नहीं समझ में आता है तो आप x को x वाले के साथ लिखो, यानी कि लाइक टर्म को एक साथ 7x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 5x प्लस 5 आसान है, ठीक है। उसी तरह से और आपको एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे इन आवर स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 30 मोर देन थ्राइस आवर, इसमें यानी कि इक्वेशन बनाना, बना करके और फिर उसके बाद सॉल्व करना होता है। पहले हमें अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में है, इन ए स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 30 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स, ये आपको 17 क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स, एक्स है। अब करा थी फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि जो बॉयज का संख्या है, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 30 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, यानी कि बॉयज का जो नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, यानी कि लड़कियों की संख्या के तीन गुने से 30 ज्यादा है, ठीक है ना, 3x प्लस 30, हाँ, यानी कि लड़कियों की संख्या है x, उसका तीन गुना, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है, और प्लस 30, पर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू हो गया गर्ल्स की संख्या ये है x, तो x प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 30 दैट मींस 4x प्लस 30, ठीक है ना, ये हो गया इसका आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, ये हो गया आपको इस तरह से जो है सो हम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है आप लोगों को, और कोई डाउट वगैरह तो पूछ सकते हैं, तो और जैसे आपको स्टेटमेंट और देखते हैं ब्लॉक 25 में, ब्लॉक 25 में जैसे है, जैसे क्वेश्चन इस ब्लॉक 525 के भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ जो कि मैंने नहीं समझाया था आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का ए, क्वेश्चन नंबर 19 ए में है फॉर्म एन एक्सप्रेशन टू डिनोट द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, फॉर्म एन एक्सप्रेशन टू डिनोट द फॉर्मूला
फॉर द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, इसमें तो फिगर दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सर दूसरे पेज पे दिया गया है, देखिए नहीं बी वाले के सामने, तो बी वाले पे चलो। इसका तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला फाइंड करने के लिए तो यही हो जाएगा फिर इसका, ये में ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेज नंबर 174 पे, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 174 पे है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। तो 19 में है, जैसे आपको एक फिगर दिया गया है, और इसमें ये आपको ए, ये डी, ये बी और ये सी, ठीक है। तो फॉर्म में करा एक्सप्रेशन जो इसका हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू ए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये हो गया इसका आपको फार्मूला, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर, यानी कि सभी साइड का सम जितने भी लेंथ है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, जो टोटल लेंथ होता है बाउंड्री का, वही उसका पेरीमीटर होता है। सर सभी साइडों का सम, हाँ, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो इसका जो अब क्वेश्चन, ये तो हो गया ए, और बी में कह रहा है कि यदि ए जो है, अब कैलकुलेट करना है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू ए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए हमें दिया हुआ है कितना है, फोर, तो फोर प्लस बी दिया हुआ है सेवन, और सी दिया हुआ है फाइव, और डी दिया हुआ है सिक्स, ठीक है ना। ए है फोर, बी सेवन, सी फाइव और डी सिक्स, इक्वल टू हो गया इलेवन और फाइव, सिक्सटीन, सिक्सटीन और सिक्स, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपको इसका क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर उसी तरह से आपको 20 क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 20 में फॉर्म एन एक्सप्रेशन टू डिनोट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन बता सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है फिगर जो है आपको, एल इंटू डब्ल्यू डाल देंगे, सर एल इंटू बी, एल इंटू बी, टेंथ मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू, हाँ एरिया इक्वल टू हो गया आपको, एल इंटू डब्ल्यू, ठीक है। ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एरिया कैलकुलेट करना है बी में, कैलकुलेट करना है एरिया, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एल हो गया आपको सेवन, तो सेवन मल्टीप्लाई फोर, सर 28, ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका
एरिया होगा, ठीक है। ये इसका एक और क्वेश्चन समझ लो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 21 में राइट अ रूल फॉर द गिवन पैटर्न टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू मेक ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 टाइल्स एंड ब्रेथ n टाइल्स, ठीक है ना। जैसे कि इसमें इसमें रूल फाइंड करना है, पैटर्न जो है इसमें, ठीक है ना। कहने का मतलब कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू मेक ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 टाइल्स, लेंथ 3 टाइल्स है और ब्रेथ n टाइल्स है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका ये यानी कि 3 तो फिक्स्ड है, 3 जो है, जैसे आप देखो फर्स्ट फिगर में क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है ना। तो ब्रेथ यदि 3 टाइल्स है, लेंथ जब लेंथ जो है 3 टाइल्स है और ब्रेथ जो है, ब्रेथ कितना है, तो 1 2 3 4 5 5 है। यानी इसमें जो टाइल्स बना हुआ वर्टिकल में, वर्टिकल लाइन में कितने टाइल्स है, टोटल 5 है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 15, यस सर, 3 to 5 इक्वल टू 15, ठीक है। उसी तरह से दूसरे में, दूसरा जो फिगर है उसमें ये 3 है और इसका जो ब्रिथ है वो है 6, यानी इसमें 18 टाइल्स लगा हुआ है। उसी तरह से तीसरे में 3 into 7 यानी कि 21, ओके। और फिर पांचवे में 3 into 8, इसका जो फोर्थ फिगर है उसमें 3 multiply 8 इक्वल टू 24, ठीक है। तो कह रहा कि यदि आपको 3 लेंथ है और n जो है सो उसका ब्रेथ है तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3n, ये इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए, 3n इसका फॉर्मूला हो गया, ओके फॉर्मूला, यस सर, ओके। तो अब आपको लोग कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है। यस सर, आज मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा दोनों ब्लॉक का और आप लोग फेयर कॉपी में कर लेना, जितना भेजूंगा उतना कर लेना, ठीक है। यस सर, ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर, बाय सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर, गुड सर, बाय सर, गुड सर, बाय।